जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज टीकमगढ़ जिले की सिद्धपीठ श्री बगास माता मंदिर जहां पर लोधी समाज धर्मशाला में लोधी समाज द्वारा दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिला लोधी समाज समिति और श्री राजपूत लोधी सेना बुंदेलखंड कर्मचारी संगठन और महिला मोर्चा अध्यक्ष मातृशक्ति एवं सभी माताएं बहनें और एडवोकेट शिक्षक गण, सभी युवा साथी सुश्री राम सिंह भारती व राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता दिव्या भारती, अबार माता लोधेश्वर भगवान पुजारी संत जी और सभी के द्वारा बहुत बहुत आभार। आयोजन बगास माता समिति का अभिनंदन करते हैं। श्री बगास माता समिति की ओर से बहुत बहुत आभार। अपने जो अमूल्य समय दिया वो दशहरा मिलन का कार्यक्रम को सफल बनाया। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में समाज में फैली कुरीतियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं छतरपुर ललितपुर जिले के सहजातीय उपस्थित रहे। जगत न्यूज 24 टीकमगढ़ एमपी से कमल राजपूत के साथ सूरज लोधी की खास रिपोर्ट, जगत न्यूज 24 टीकमगढ़। जो हम लोग समझ रहे हैं कि समाज में भी इस नशा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने चर्चा की है और ये नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी कृति है, बुरी ही नीति है। इसे हम लोग इसके उपलक्ष्य में भी हमारी ये सभा थी। मैंने आपको बता दिया कि ये व्याप्त जो कृतियाँ हैं, कृतियों के ऊपर हम लोग, चाहे वो नशा के बारे में हो, जितनी भी कृतियाँ हैं, चाहे वो मृत्यु भोज के बारे में हो, स्वास्थ्य कृतियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इस दशहरा समारोह का उद्देश्य समाज में एकता के लिए जो एकता हम लोग बनाएं, इसके मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि हमारा समाज फटा हुआ है, पड़ी हुई है। समाज के लिए दशहरा यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज एक साथ आए,